राजस्थान का राज्य पक्षी कहे जाने वाले गुड़ावण बहुत खूबसूरत पक्षी होता है। गुड़ावण को सौन चिरैया के नाम से भी जाना जाता है, इसे शर्मीला पक्षी भी कहते हैं, लेकिन ये सुंदर सौन चिरैया अब विलुप्ति की कगार पर है। IUCN की सूची में इसे गंभीर रूप से संकटग्रस्त प्रजाति के रूप में लिस्ट किया गया है। अपने बड़े आकार के कारण ये पक्षी शुतुरमुर्ग के जैसा दिखाई पड़ता है। वैसे तो इसकी गणना साल में दो बार होनी थी, लेकिन पिछले 6 साल से इस विलुप्त प्राय पक्षी की एक बार भी गिनती नहीं हो पाई है। प्रदेश की सरकार और वन विभाग के दावे खोखले साबित हो रहे हैं। हम आप नहीं लेकिन पर्यावरण प्रेमी गुड़ावण की ऑफिशियल गिनती का इंतजार कर रहे हैं। आखिरी बार 2017-18 में गिनती हुई थी, उस वक्त इसकी संख्या 128 थी। गुड़ावण को लेकर हमारे संवाददाता श्रीकांत व्यास की ये स्पेशल NDTV रिपोर्ट देखिए। गोडाउन संरक्षण के लिए लगातार प्रयास हो रहे हैं और जैसलमेर में गोडाउन की जो आखिरी गणना है वो 2018 में हुई थी। हमारे साथ डीएफओ आशीष है, उनसे बात करते हैं। सर, लास्ट जो गणना है वो 2018 में हुई थी, उस वक्त क्या आंकड़े थे और अब तक गणना क्यों नहीं हो पाई, 6 साल हो गए? जी, लास्ट जो गणना है गोडाउन की वो 2018 में हुई थी और 2018 के बाद कोरोना आ गया था, जैसा आप सबको विदित है। तो 2-3 साल वो गैप आ गया और कुछ स्टाफ की भी कमी चल रही थी। तो अब चूंकि नया स्टाफ भी भर्ती हो गया है और कोरोना जैसी महामारी भी चली गई है, तो अब जल्दी ही इसकी गणना पुनः कराई जाएगी और हमें विश्वास है कि जो प्रयास किए गए हैं इन 2018 से लेकर अब तक वो पॉजिटिव डायरेक्शन में हुए हैं सारे और वो सफलतापूर्वक गुड़ावन की संख्या बढ़ाने में कामयाब हुआ है। जिस तरह बात करें 2018 का जो आंकड़ा था वो क्या आंकड़ा था और क्या लगता है अब तक अगर वृद्धि हुई तो कितने गुड़ावन बढ़े होंगे, प्रयास कितने सफल रहे हैं? 2018 में जो आंकड़ा था वो 128 प्लस माइनस 19 का था और उसके बाद जो कंजर्वेशन ब्रीडिंग प्रोग्राम के तहत ब्रीडिंग सेंटर स्थापित किए गए 2018 के बाद, और आज की तारीख में जो दो हमारे ब्रीडिंग सेंटर हैं, एक रामदेवरा ब्रीडिंग सेंटर है और सम ब्रीडिंग सेंटर है, उसमें मिलाकर आज की तारीख में 29 जो गोडावन है वो सफलतापूर्वक स्वस्थ रूप से वैज्ञानिक देख रेख में पल रहे हैं। तो निश्चित तौर पर 29 गोडावन का तो इजाफा हुआ ही है। अब बात करें अगर गणना को लेकर तो क्या प्रोसेस किया जा रहा है, क्या आगे जो है अधिकारियों को लिखा गया है और कब तक गणना होने की संभावना है? जी, गोडावन एस्टिमेशन के लिए हायर ऑफिसर से बात की जाएगी और कोशिश ये की जाएगी कि उसको जल्द से जल्द कंप्लीट करें। मतलब हम लोग भी उसके पीछे कार्यरत हैं कि भाई जल्दी से जल्दी इसको करें ताकि एक अच्छा आंकड़ा हमें भी पता चलता है कि हमारे जो प्रयास हैं वो कितने सफल हैं। गोडाउन को लेकर लगातार प्रयास जारी है, संरक्षण भी किया जा रहा है और कई प्रयास जो है अब तक सफल होते सामने आए, लेकिन नया आंकड़ा क्या है इसको लेकर गणना होना बाकी है। 6 साल हो चुके हैं, गणना नहीं हुई है तो अब उम्मीद जताई जा रही है कि आने वाले दिनों में इसकी गणना की जाएगी तो कहीं सुखद आंकड़े आप लोगों के सामने आएंगे, क्योंकि गोडाउन को लेकर लंबे वक्त से सरकार प्रशासन और विभाग के जो अधिकारी है वो प्रयास रहते हैं, वहीं पर्यावरण प्रेमी भी जो है वो टकटकी लगाए इंतजार कर रहे हैं कि कब नया आंकड़ा सामने आए। श्रीकांत व्यास, NDTV जैसलमेर। गोडावण हमारी शान, जिसकी गणना 17-18 में हुई थी, उसके बाद में 6 साल हुए अभी तक गणना नहीं हुई है और इसके ऊपर उस टाइम 128 के 19 प्लस थी, 6 साल हो गए उसके बाद में गणना नहीं हुई है। ब्रीडिंग सेंटर में तो गोडाउन पल रहे लेकिन नेचर में अभी तक गोडाउन जो है उसकी कोई गणना नहीं हुई है। हमें लाखों करोड़ों रुपए इसके ऊपर खर्च भी हो रहे हैं और इसकी गणना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब तक गणना नहीं होगी तो हमें ये मालूम नहीं होगा कि नेचर में कितने गोडाउन हैं।